जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। प्यार है आप सबको, तक भर के हम एकदम बढ़िया हैं। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज है मेरी दाक्षी की पहली वैक्सीनेशन, वानिया की भी, तो हम जाएंगे वैक्सीनेशन करवाने। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो मैं, दाक्षु, वानिया, वानिया की मम्मी और बाबा जा रहे हैं। इसके बाबा हमें रास्ते में मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं फिर। तो फाइनली हम कैंप में पहुंच चुके हैं और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। वानिया की मम्मी ये वाइट स्वेटर में बैठे हैं और ये देखो प्यारे प्यारे बेबीज। ये रही वानिया, ये आशा वर्कर जी हैं, ये वानिया को इंजेक्शन लगा रही हैं और मेरा बेटू वेट कर रहा है अपनी बारी का। तो अभी ताक्षु के बाबा भी आ गए हैं और वही मेरे और ताक्षु की वीडियो बना रहे हैं और ताक्षु रेडी है बिल्कुल जाने के लिए। टाइम आ चुकी है। हेलो, कुछ ना मरीज देखो देखा इंजेक्शन लगाई दवाई। हेलो, नहीं बस 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 हो गया। क्या हुआ? हो गया, ठीक हो गया, ओके, चलो फिर। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो फाइनली हमारी ताक्षु की और कुहू की वैक्सीनेशन हो चुकी है और अब हम घर जा रहे हैं। लेकिन वानिया और उसकी मम्मी पहले चले गए क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन हमसे पहले हो गई और हमें थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए वो पहले निकल गए घर की ओर। तो अभी भी हम भी जा रहे हैं, बच्चों सो रहा है अभी बिल्कुल आराम से। अभी मेरी लाडो बिल्कुल मस्त होके सो रही है, अभी तो कोई फर्क ही नहीं है कि इंजेक्शन भी लगा है इसको। बस ऐसे रहे मस्त, ऐसे मस्त रहे, अकड़न ना हो, घर जाके तेल लगा। अभी हम पहुंच
पहुंच चुके हैं हमारे बंजराड़ू मार्केट में। लेफ्ट साइड में जो शॉप्स हैं ज़्यादातर सब्जी की हैं और फास्ट फूड वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पे। ये टैक्सी स्टैंड है, लेकिन आजकल ये बाइक स्टैंड हो गया है। टैक्सियाँ आजकल बस अड्डे पे ही लग रही हैं। साथ में ये स्कूल भी है, तीसरा स्कूल हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सॉरी। और अभी अभी हमारे बंजराड़ू मार्केट में HDFC बैंक की नई ब्रांच भी खुली है, जो कि PNB बैंक के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे है। ये रही नई ब्रांच खुली है, ये अभी एक हफ्ता ही हुआ है इसे खुले। तो नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे मार्केट में आजकल। तो यहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं, हमें गाड़ी पार्क करनी है, लेकिन हमारी गाड़ी के लिए जगह ही नहीं है। तो फिलहाल हम हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढ रहे हैं। हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं हमारे घर की ओर। ताक्षु को उसके बाबा ने लिया हुआ है, बिल्कुल ढक के लिया है क्योंकि बहुत हवा चल रही है। इसलिए हवा देखो कितनी ज़्यादा हवा है। ये साथ में हमारी बाड़ी है, बोले तो किचन गार्डन। मेरी डिलीवरी से 3 या 4 दिन पहले मैंने यहाँ पे प्याज लगाया हुआ था और ये देखो लग भी चुका है, और इसका भी व्लॉग मैंने डाला था। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि अच्छा हुआ लग गया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद इसमें पानी नहीं दे पाए हम, तो मुझे डाउट था पत्नी फलेगा कि नहीं फलेगा, लेकिन अच्छा हो गया है। अजलोरी तो बुबली की हेल्प कर चुकी, सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं गंद डाल के रख दिया इन्होंने हमारे रूम में आके, कब्जा तो अलग किया, अब साथ में गंद भी डाल दिया है। दे मन छोड़ दे छुप। इंजेक्शन लगने के बाद कीर्त सो रही है और बबली की गोदी में अग नीचे रखेंगे तो ये जाग जाएगी और रोएगी फिर, क्योंकि अभी मेरी गोदी में सोई थी तो जैसी टांगे हिलाई तो इसे दर्द हुआ और फिर रोने लगी, तो बड़ी मुश्किल से अभी सोई है। अभी देखो वो पीछे आपको दिख रही है चाम काम चोर मासी भी आ गई है कूकी आज, काम चोर मासी छुपती हुई। इनका हम आज स्वागत करते हैं और आज इनसे हम काम लेंगे। पहले तो कपड़े नहीं, मैं अभी करने तो दो इनको पॉटी वो कल मैंने रखे थे इसके लिए। हाँ जी सर, तो रात के बज रहे हैं 2:33 और ताक्षु पुत्र सो नहीं रहा और देखो कि जबरदस्त वाली नींद लगी है। तो इधर देखिए इस शैतान को सोने का नाम नहीं ले रही, अभी शायद सो जाए थोड़ी देर बाद और जी जो कराटे ले रहे हैं सुना जाएंगे आप। ये देखिए सुनिए ध्यान से,
नहीं जाती एकदम, दाक्षों का पता ही नहीं कुछ, खतरनाक कराटे। तो अभी दाक्षों को सुला के फिर सो जाएंगे हम भी, तो मिलते हैं सुबह। दी हेलो बोल दो, दी तो टुन्न हो गए शराबियों की तरह, नींद लगी उसमें, मैं सोई थी, इन्होंने आवाज लगाई तो मैं झट से उठ गई, तो देखा दाक्ष पुत्र बैठ नहीं रहा, तो फिलहाल के लिए इसको सुलाते हैं यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और रात को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हमें, वो तो करना ही पड़ता है क्योंकि बेबी को इंजेक्शन लगे थे, तो बेबी के बस में भी नहीं था ये, बेबी के बस में भी नहीं था ये, बेबी बेचारा क्या करता। तो अभी ये सो रही है और ये दोनों इसको तंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेबी ने रात को इनको तंग किया है, तो अभी ये दोनों इसको तंग कर रहे हैं, बेचारे बच्चे को सोने नहीं दे रहे हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। हाँ जी, तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ज्यादा बोल रही हूं और हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों।